शिवा जोहर साथियों, आज का जो विषय है वो किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आज हम तात्कालिक विषय पर बात करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी दुनिया परेशान है। आज हम देखते हैं कि पानी समय से पहले गिरना, पानी का नहीं गिरना, इस टाइप की समस्याएं किसानों के पास आई है। तो उसमें अभी किसान और वैज्ञानिक ये सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि हम बोनी कब करें, जिस हिसाब से पानी गिर रहा है उस आधार पे। तो मैं हमारे जो पूर्वज, हमारे जो पुरखा, जो कोतोरिक टेक्नोलॉजी है उसको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमारे पूर्वज बोनी के सटीक समय का निर्धारण कैसे करते थे, तो आइए जानते हैं कि बोनी का सटीक समय का निर्धारण कैसे हमारे पुरखा लोग करते थे। बोनी के सटीक समय के निर्धारण के लिए हमारे पुरखे जो टेक्निक यूज़ करते थे, वो अपने आसपास के वनस्पतियों को और पक्षियों को देख के हमारे बोनी का सटीक समय का भी निर्धारण किया जाता था। तो सबसे पहले वो देखते थे कि जो नीम की जो फलियाँ हैं, जो अभी हरा है, वो जब पक के ज़मीन में गिरने शुरू हो जाते थे तब माना जाता था कि बोनी का सही समय आ गया है। दूसरा जो पेड़ रहता था, पेड़ है, वो है आपका बेर का पेड़। जब बेर में नए कपोले उगने चालू हो जाते हैं और बेर में चारों पूरे पौधे में जब पत्तियां आने लग जाती है, हरियाली आ जाती है, तब उस समय को सटीक समय माना जाता है कि बोनी का समय आ चुका है। तीसरा जो पौधा है, जो हमारा है जामुन, जो जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त करती है, न्यूट्रिटिव वैल्यू उसमें खूब सारी है, वो पौधा भी हमको बताता है कि बोनी कब करनी है। जब उसके ये जो फल हैं अभी हरे हैं, जब ये पक के गिरना चालू हो जाएंगे, तब माना जाता है कि बोनी का सटीक समय आ चुका है। और इसमें जो हमारा चौथा जो पौधा है, जिसको गोल्डन सावर या अमलतास या छत्तीसगढ़ी में जिसको हम बोलते हैं धनबोहार, में जो फूल आते हैं पीले पीले, उसके बाद जो उसमें फलियां जो बनती है उसकी लंबाई, इस लंबाई में जब हरी अवस्था में आ जाती है, तब माना जाता है कि बोनी का सटीक समय आ गया। छत्तीसगढ़ी में हमारे पुरखे बोलते थे कि घुर्रा मुसवा के पूछी, जितना जब धनबहार की फली बन जाए तब बोनी का सटीक समय है। इसके बाद हमारे पुरखे देखते थे कि जब बगुले अपने घोंसले बनाने शुरू कर दें तो बोनी का सटीक समय रहता है। इसमें हमारे पुरखे चंद्रमा और सूरज की स्थिति का भी अध्ययन करते थे और उसके हिसाब से वो बोनी का कार्य करते थे कि जिसमें अंधेरी पाक और उजेरी जो पाक होता है, तो अंधेरी पाक को वो बोनी में प्रिफर करते थे। शुरुआती दिनों को और अंतिम दिनों को छोड़ के ही वो धान की बोनी करते थे। तो ये कोतोरिक टेक्नोलॉजी थी जो बोनी के सटीक समय का निर्धारण करते थे। इस तरीके से हमारे जो पुरखा थे वो प्रकृति का अध्ययन करते थे और सटीक समय में बोनी का निर्धारण इन पहलुओं को देख के वो करते थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ सेवा जोहार।